नमस्कार, मैं हूं जैद अहमद और एमपी तक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़वानी में आम सभा समाप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े विशाल जनसमूह को संबोधित करके बड़वानी से रवाना हुए हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की आम सभा का, प्रधानमंत्री की बातों का लोगों पर क्या असर हुआ है और किन बातों से प्रभावित हुए हैं आम लोग। आइए लोगों से बात करें, मोदी जी की फिलहाल सभा समाप्त हुई है, क्या असर रहा, किन बातों से प्रभावित हुआ? जी सर, जैसे मोदी जी ने जो गरीब किसानों को जो 5 साल मुफ्त अनाज की घोषणा की उन्होंने, जैसे और भी कई योजना है जिसमें हमको बताया गया कि जो कांग्रेस की सरकार आएगी उसके पश्चात उस योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, जैसे लाली भरना योजना, कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद उस योजना को बंद कर दिया जाएगा, इसीलिए हम फिर से कमल खिलाएंगे एमपी में। एमपी में फिर से कमल खिलाएंगे, मोदी ने जो कहा था उनकी बात को दोहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बात करी, फिलहाल क्या असर हुआ? उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझे वोट दीजिए, आप मुझे शक्तिशाली बनाइए, आप अगर धोखा खाते हैं और कांग्रेस की सरकार लाते हैं तो मैं दिल्ली से जो डायरेक्ट काम सेवा कर रहा हूं उसमें रोड़ा आएगा, तो आप भाजपा की सरकार बनाइए, मुझे वोट दीजिए, मुझे ताकतवर बनाइए। और मोदी जी ने यह भी कहा कि गरीब आदिवासी जो है उनके लिए जो मुफ्त का राशन है वो योजना जो खत्म होने वाली है उसको मैं और 5 साल के लिए बढ़ा दूंगा, मुफ्त योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसका असर देखने को मिला। कुछ और लोग, आपने आम सभा को सुना, क्या लगा, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, मैंने पहली बार मोदी जी को लाइव देखा और पहली बार तो हमारे भारत में जो काम किया है मोदी जी ने वो सराहनीय है। जैसे कि 370 हमने चंद्रयान 3 तो पहुंचा दिया चांद पर, लेकिन हम पहले की सरकार में कश्मीर जाने में भी हमको डर लगता था, आज हमारे देश विदेश में भारत का डंका जो बज रहा है वो मोदी जी के कारण और हमारे एक वोट का कारण। सभी जनता से, एमपी की जनता को, मोदी जी को और शिवराज सिंह चौहान को फिर से भाजपा की सरकार जिता कर लाना है। कुछ जो लोग थे इन पर खास असर देखने को लाया, मोदी का कोई 370 की बात कर रहा है, कोई स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा है, कुछ योजनाओं की बात भी की जा रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आदिवासी बेल्ट में, आदिवासी सीट में। जी, मैं आदिवासी बेल्ट से गंधावल से हूँ। आज हमने मोदी जी को पास से देखा है, साथ ही उनकी योजनाओं के बारे में सुना है। उसी तरह सोचना चाहिए कि हमें वोट बीजेपी को देना चाहिए, बीजेपी को वोट देंगे तो हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, ये मेरा कहना है। बीजेपी को वोट देंगे तो देश सुरक्षित है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी की सभा का घोषणा पहले से पहले कभी सुना था मोदी को? नहीं, आज से पहले हमने मोदी जी को कभी नहीं सुना है, और उनका बोलने की मतलब देखना बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी उनकी बोलने की शक्ति है, और एमपी के मन में मोदी है इसलिए हमारा वोट मोदी जी को है। एमपी के मन में मोदी, इनका कहना है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मोदी जी को आपने देखा, कौन सी बात उनकी प्रभावित करी आपको? उनकी हर बात एक दिल को छूने वाली बात है, और बीजेपी सरकार एक अच्छी सरकार है, बस एक भाजपा सरकार एक अच्छी सरकार है। नरेंद्र मोदी ने युवाओं को भी प्रभावित करा, कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगा मोदी को देखकर, मोदी को सुनकर? मोदी एक तो हमारे देश के एक बहुत ही बढ़िया नेता और बहुत ही अच्छे वक्ता और बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री है, और हमारे देश का उज्जवल भविष्य उन्हीं के हाथों में सुरक्षित रहेगा और है और रहेगा। ऐसी कौन सी योजना है, कौन बताएगा कि कौन सी योजना है नरेंद्र मोदी की जो उन्हें प्रभावित करती है? ऐसी कौन सी योजना है जो प्रभावित करती है नरेंद्र मोदी की आप लोगों को? सबसे बढ़िया योजना है किसान सम्मान निधि, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद चालू, और दूसरी आवास योजना, जो गरीब से गरीब परिवार को भी वो आवास योजना और पक्की छत दे रहे, ये मोदी जी की बहुत अच्छी योजना है, और मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 सीट से ज्यादा भारत जिताएगा उन्हें। मोदी जी की योजनाओं से भी लोग प्रभावित हैं, मोदी जी की बातों से प्रभावित हुए। कुछ का कहना कि मोदी को पहली बार देखा और काफी जो बातें उनकी प्रभावित करी है। कुछ लोग योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, कुछ किसानों की बात की जा रही है, आवास योजना की बात की है। लगातार लोग जो यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना कि मोदी ने उन्हें प्रभावित करा है, और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दिलाने का संकल्प मोदी ने लिया है वो उसे भी पूरा करेंगे। कुछ आइए और कुछ लोगों से और बात करते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मोदी जी की सभा थी लगभग 40 मिनट तक, उन्होंने आप लोग बीच रहे, कैसा लगा, क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ है उनके आने के बाद। ऐसा लग रहा है कि जो भी बड़वानी की चारों विधानसभाएं हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयी बनेगी, और जो उनके आने से प्रभाव हुआ है, जो पिछली बार जो डैमेज हुआ था भारतीय जनता पार्टी को, वो इस बार डैमेज कंट्रोल
हटेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी वोटों से विजय बनेंगे। पिछली बार बड़वानी में 4 विधानसभा में से 3 सीटें जो है कांग्रेस जीती थी और एक पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, तो लोगों का कहना है कि वो डैमेज कंट्रोल भी दूर होगा। फिलहाल हम देख सकते हैं सभा स्थल पर मौजूद हैं, लोगों में खासा उत्साह है। उनकी सभा समाप्त होने के बाद लोग कहते हैं कि मोदी की बातों में प्रभावित किया है। आम सभा की बात करें तो विशाल जनसमूह था और विशाल जनसमूह पर लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, मोदी के नारे लगा रहे थे, बार बार लोग खड़े हो रहे थे और मोदी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। अब ये तो विधानसभा चुनाव, मतगणना और मतदान के दिन पता लगेगा कि मोदी की बात का कितना प्रभाव मत के रूप में लोग मतदान में परिवर्तन कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल मोदी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।